हेलो फ्रेंड। तो हम लोगों को पता है कैश में कि हम लोगों का फिजिकल एड्रेस कैसे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमारा फिजिकल एड्रेस है, तो हम लोगों को पता है कि ये कैसे डिवाइड होता है। कुछ पार्ट इसका जाता है ब्लॉक ऑफसेट के लिए, ठीक है, और कुछ पार्ट, ये जो इंटायर पार्ट है, ये हमारा ब्लॉक नंबर होता है ना, ब्लॉक नंबर होता है। मान लिया ये जो हमारा ब्लॉक नंबर है, कोई एम बिट है, एम बिट मतलब कोई बिट है, कोई एक एम बिट है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक मेन मेमोरी में कितना होगा? 2 पर पावर m होगा। 2 पर पावर m नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे मेन मेमोरी में, और इसमें से कुछ लेस सिग्निफिकेंट बिट अगर हम दे दें तो वो मतलब कुछ लाइन नंबर को हम कुछ बिट दे देते हैं ब्लॉक नंबर से ही, तो वो कैश मेमोरी का लाइन नंबर बन जाता है। मान लीजिए ये लाइन नंबर हमारा एल बिट है, एल बिट है, तो हमारा लाइन नंबर क्या कितना लाइन होगा हमारे कैश में? 2 पर पावर l होगा। हम लोगों को इतना तो पता है ये होगा। तो एक्चुअली में तो हम लोगों को पढ़ना ये है, जैसे कि अगर सिर्फ मैं m की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, समझने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं सिर्फ ब्लॉक नंबर की बात कर रहा हूँ, ये पूरा हमारा ब्लॉक नंबर है, ठीक है, ब्लॉक नंबर है जो मान लीजिए कोई एम बिट का है, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ पार्ट जो एल को देते हैं, एल को कौन सा पार्ट देते हैं, कैलकुलेट करने की क्या तरीका है, क्या जगह है? हम लोग को पता है कि जो हमारा कैश मेमोरी होता है उसको हम लाइन में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक लाइन में कुछ ब्लॉक नंबर होते हैं, हर एक लाइन में ब्लॉक नंबर जाकर स्टोर होते हैं। तो वो जो ब्लॉक नंबर स्टोर होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, उसका क्या है? तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग ब्लॉक नंबर में से ही कुछ पार्ट लाइन नंबर के लिए देते हैं, ये हमको पता है। तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मैपिंग में एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमको पता करना है कि हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर कैश मेमोरी के किस लाइन में, तो हम उस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमको अपना, मान लीजिए ये जो हमारा एम बिट का ब्लॉक नंबर है, एम बिट का कोई ब्लॉक नंबर, एक कोई नंबर मान लीजिए हमारा एक्स है, कोई नंबर हमारा एक्स है जो एम बिट का है, ये एक नंबर है जो एम बिट का है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 2 पर पावर l से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअली वो रिमाइंडर वो लाइन नंबर होगा जहां हमारा एक्स नंबर प्रेजेंट है। मतलब ये कि अगर रिमाइंडर का फॉर ये ऑपरेटर मॉड्यूलर होता है, अगर हम एक्स को भाग दें 2 पे पावर l से, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा लाइन नंबर आएगा, एक्चुअली लाइन नंबर आएगा, पर्टिकुलर वो लाइन नंबर जहां हमारा एक्स प्रेजेंट है। मतलब ये कि समझिएगा कि मान लीजिए हम लोगों को चेक करना है कि हमारा 20 ब्लॉक नंबर, 20 ब्लॉक नंबर जो मेन मेमोरी का है, हमारे कैश मेमोरी के किस लाइन में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट हुआ तो वो किस लाइन में प्रेजेंट होगा, तो इसका चक्कर, इसको हम लोग ऐसे चेक करेंगे, 20 मॉड्यूलर, मान लीजिए हमारा जो कैश है उसमें सिर्फ चार लाइन है, तो हम क्या करेंगे, 4 या 2 पे पावर 2 भी कर सकते हैं, 4 वही ना होगा 2 पे पावर 2, तो 20 डिवाइड कितना आएगा, 20 मॉड्यूलर 4 0 0 1 2 3 लाइन है यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे लाइन है कैश में। तो जब भी जाके हमारा 20 स्टोर होगा तो ये 0 लाइन में ही, कैश के 0 लाइन में ही यहाँ जाके स्टोर होगा, वो 1 में नहीं स्टोर हो सकता। ये डायरेक्ट मैपिंग का रिस्ट्रिक्शन है कि, और रिस्ट्रिक्शन ये फॉर्मूला है कि आपको ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही ब्लॉक मेमोरी, जो फिजिकल जो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर है, वो कैश मेमोरी के किस लाइन नंबर में स्टोर करना है, ये फॉर्मूले के तहत ही आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन सेव, अदरवाइज यू कांट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी लाइन नंबर में कोई भी सेव कर दो, नहीं,
आपको ये मॉड्यूलर निकाल के ही करना पड़ेगा। जैसे ब्लॉक नंबर, सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजा कि ब्लॉक नंबर 100 कहाँ सेव रहेगा, मान लीजिए हम इसमें कहाँ सेव रहेगा, तो फिर से हम ये करेंगे 4, फिर से ये इसमें ये कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारा 15 कहाँ रहेगा, तो 4 करेंगे, 15 कितना 3 आया, 3 आया रिमाइंडर, है ना, 15 इसमें जाके जाएगा। तो ये तरीका है, ये फॉर्मूला है, मतलब हमको अगर हम किसी नंबर, कोई नंबर है मान लीजिए जो एम बीट का है, जो एम बीट का नंबर, एम बीट का मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक नंबर है हमारा, ये हमारा ब्लॉक नंबर है, और ब्लॉक नंबर क्या होगा, वो एम बीट का ही होगा, ठीक है, एम बीट का है। अगर हम उसको, उसका हम रिमाइंडर, उसको हम भाग देते हैं 2 पावर L से, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, जो भी हमारा इसका आता है, वो क्या होगा, वो हमारा लाइन नंबर होगा, लाइन नंबर होगा जहां ये x प्रेजेंट होगा, जहां ये x प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आई इतनी सी बात। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए कि सीपीयू बहुत सारा रिक्वेस्ट, ब्लॉक नंबर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और हमारे पास एक कैश है जिसने सिर्फ 4 ही लाइन है, मान लिया जाए कि एक एग्जांपल मैं लूँ, जिसमें बहुत सारा हमारे पास एक कैश है, मान लीजिए जिसमें 4 लाइन है, 1 2 3, 0 1 2 3, और हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारे ब्लॉक इसमें सेव करने हैं, स्टोर करने हैं, मान लीजिए जैसे 5 6 8 9 12 15 19 20, मान लीजिए ये हमको सेव करने हैं। तो सेव करने का तरीका क्या है आप लोगों को पता है, हम क्या करेंगे, ब्लॉक नंबर या ब्लॉक रिक्वेस्ट जो भी है हम उसको लेंगे, उसको मॉड्यूलर करेंगे जितना हमारे पास लाइन है, ये कितना बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 लाइन है तो कितना बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ 2 बिट को, क्योंकि 2 पावर 2 हमारा 4 आ जाएगा, तो हमारा ये 4 लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मॉड्यूलर 4, और जो भी रिमाइंडर आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, इसका क्या आ रहा है, 1, तो हमारा जो 5 होगा वो जब भी सेव होगा तो हमारे कैश के लाइन नंबर 1 में सेव होगा, यहाँ सेव होगा, मतलब समझ रहे हैं। उसी तरह 6 कहाँ सेव होगा, क्या रिमाइंडर आएगा, अगर हम 4 से उसको भाग दें तो 2 आएगा, तो 6 हमेशा सेव होगा तो यहाँ होगा। 8 कहाँ होगा, 8 में रिमाइंडर 0 आएगा तो 8 यहाँ सेव होगा। 9 देखिए, 9 1 पे सेव होगा, है ना, और 1 पे ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जो 5 पहले से है वो मिटेगा और फिर हमारा 9 आएगा, ठीक है। 12 कहाँ होगा, तो 12 8 की जगह पे होगा, मतलब 8 मिटेगा और हमारा 12 आएगा। उसी तरह 15 इसमें आएगा, तो यहाँ सॉरी पहले एक चीज़ ये समझिए कि 15 आने से पहले एक चीज़ ये समझिए कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा स्पेस एक खाली है, फिर भी ये जो दो जगह है यहाँ 2 बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, कि पहले से एक था उसको हटा के रिप्लेस करके एक दूसरा नंबर आया, जबकि एक हमारा प्लेस खाली है, तो बस यही प्रॉब्लम है डायरेक्ट मैपिंग के साथ, कि हमारा स्पेस खाली भी है होने पे, एम्प्टी भी होने पे, हम लोगों को ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस फॉर्मूले से, मतलब हम किसी लाइन नंबर में कोई सा भी ब्लॉक नहीं डाल सकते, हम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन है, हम लोगों का एक रूल है कि इसमें ही ये डालना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक ब्लॉक खाली भी रहे तो हम उसमें नहीं डाल सकते, और एक पे बहुत सारा माल हुआ पड़ा है, एक पे हट रहा है, कोई नया आ रहा है, हो रहा है, फिर यही हो रहा है, और एक सारा खाली का खाली, तो ये कहने का मतलब है, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस प्रॉब्लम कहते हैं इसको। तो मान लीजिए अब आगे का देख लेते हैं, कहाँ तक, 15 इसमें आ जाएगा, 19 किसमें आएगा, 19 आएगा आपको इसी में, ना देखिए इसमें 2-2 आ गया, अब 20 किसमें आएगा, फिर देखिए फिर से 20 इसमें आएगा, ये कट जाएगा, फिर से 20 इसमें आएगा, ठीक है। तो ये
ऐसा होगा, मतलब एक में देख रहे हैं आप कितना ज्यादा हो रहा है, एक में एक ही है, या कभी कभी खाली रह जाता है। जैसे अगर मैं वोस्ट सिनारियो लूँ, इसका वोस्ट सिनारियो लूँ, तो मान लीजिए जो हमारे पास एक कैश है, कैड लाइन का एक कैश है 0, 1, 2, 3, हमारे पास ब्लॉक रिक्वेस्ट बहुत सारे हैं ऐसे 4, 8, 16, 32, 20, 24, मान लीजिए ऐसे हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बनेगा हमारा, कि 4 mod 4 कितना होगा, रिमाइंडर 0, 4 यहाँ आएगा, फिर 8 भी यहीं आएगा, फिर 16 भी यहीं आएगा, फिर 32 भी यहीं आएगा, सब खाली है, बस इसी पे आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, हम लोगों का एक रूल है कि इसी में डालना है, ऐसा भी हम लोग उठा के नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये रूल है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम बस यही है इसमें कि हमारा कुछ खाली भी रहता है तो हम लोग उसको नहीं भरते हैं, और जो हम एक में हमारा भराता जाता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें है डायरेक्ट मैपिंग में, जिसको कॉन्फ्लिक्ट मिस भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिस कहते हैं। तो इसी प्रॉब्लम, ये जो डिसएडवांटेज है हमारे डायरेक्ट मैपिंग में, इसी को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप को पर्टिकुलर लाइन में ही पर्टिकुलर ब्लॉक रखना है, नहीं, आप किसी भी लाइन में पर कोई भी ब्लॉक रख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट मैपिंग में ये डिसएडवांटेज, कॉन्फ्लिक्ट मिस डिसएडवांटेज है इसमें, ये डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि पर्टिकुलर लाइन में ही पर्टिकुलर ब्लॉक रखना है। वो कैसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये फॉर्मूले से, मोड वाले फॉर्मूले से, आप लोगों ने समझा। तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन करने से, ये प्रॉब्लम आ रही है हमें कि कोई ब्लॉक पे बार बार हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ रहा है, और सॉरी, कोई लाइन नंबर पे बार बार हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ रहा है, और कोई और लाइन नंबर बिल्कुल खाली रह जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है, एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ते हैं हम लोग।